नाश्ते में क्या बनाई यह लगभग सभी लोगों का मेजर प्रॉब्लम होता है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अलग तरह का इडली का नाश्ता, जो कि घर के सभी लोग फटाफट ख़त्म कर देंगे। इतनी सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है ये इडली। तो मैं हूँ हरी और आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, इसे कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम इस इडली को आलू और सूजी से बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आलू को मिक्सी के जार में डालता हूँ। यह मैंने एक मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को क्यूब्स में काट कर लिया है और इसके साथ में लेंगे 4 हरी मिर्ची। मिर्ची आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी डालेंगे इसमें आधा कप पानी। पानी डालने के बाद इसे स्मूथ पीस कर लेना है और आलू को पीस लेने के बाद उसे साइड में रख कर एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप बारीक सूजी ले। अभी स्वादानुसार नमक डाल के हमने जो आलू को पीस लिया था उसे इसके साथ ऐड करेंगे। दोस्तों अगर आप दही खाना पसंद नहीं करते हो तो भी आप कम से कम 1 चम्मच दही ज़रूर डालें। मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाला है और वो भी थोड़ा सा खट्टा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन रहेगा तो यह खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हाँ, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप आधे नींबू का जूस तो ज़रूर डालें और बाद में इस तरह पहले मिला ले और ज़रूरत के अनुसार पानी डालिए, यानी कि सूजी को भिगने के लिए जितने पानी की ज़रूरत हो उतना पानी डाल के अच्छे से मिला ले। ऐसे मिला लेने के बाद इसे 5 मिनट तक रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद हमारी सूजी अच्छे से भीग चुकी है और थोड़ी फूल भी चुकी है। अभी इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो और थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें यह बैटर थोड़ा पतला चाहिए, यानी कि इडली के बैटर जैसा। अब लास्ट में आधा चम्मच इनो पाउडर डाल के फिर से और एक बार मिला लेंगे। अगर आपके पास इनो पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। ये देखिए, ऐसे बैटर बना लेने के बाद हम इडली ट्रे के खानों को 1-1 चम्मच बैटर से भर देंगे। तो मैंने इस ट्रे को पहले से ही तेल लगा के रखा था। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों इन इडलियों को स्टीम देने के लिए। मैंने इधर इडली कुकर में थोड़ा पानी डाल के पहले से ही गैस पर गर्म होने के लिए रखा था। अभी हम इसे स्टीम देंगे लगभग 10 मिनट तक, वो भी मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद आपका ये इडली का नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें स्टिक डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, स्टिक पे गीला बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपका, यानी कि हमारी इडली तैयार है। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद चाहे तो आप आपकी पसंदीदा चटनी के साथ इसे ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन मैं आपको इसे थोड़ा तड़का लगा के दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के तेल को गर्म करके लिया है। अब डालेंगे आधा चम्मच राई और स्लाइट में कटी हुई 3 हरी मिर्ची। थोड़ा कड़ी पत्ता डाल के इसमें चम्मच चलाएंगे। अभी पैन में 5 से 6 इडली रखेंगे। अब जो करना है वो इन इडलियों को सेक लेना है, यानी कि कुछ सेकंड तक हम इसे अलट पलट कर सेक लेंगे। दोस्तों ऐसे तड़का लगाने से इडली खाने में थोड़ी सी चटपटी और मज़ेदार लगती है। ये देखिए, हमारी इडली का नाश्ता बनके तैयार है। तो आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।